नाम क्या है? खुशहाल सिंह। पिताजी का नाम क्या है? फादर नाम? बाकर सिंह। उम्र क्या है? उम्र? उम्र हैगी 55-58 साल। गमछा उतारो, पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। जूता खोलिए। जाइए आप। जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना, तो हम विश्व में सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं। ऐसे पंद्रह अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय दो नेबरिंग कंट्रीज की उत्पत्ति हुई। ये जो आप कंटीली तार देख रहे हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, बांटती है। अक्टूबर 1947 में पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड के ऊपर ही एक ज्वाइंट चेक पोस्ट का निर्माण हुआ। इन्हीं को रीनेम किया गया है। बाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आप में से अनेकों लोगों ने देखी होगी, जहां पर बीएसएफ के जितने जवान आप इस सामने वाली सड़क पर ये सेरेमनी करते देखते हैं। आज मैं आपको उन जवानों से मिलवाऊंगा। सबसे पहले वर्डो कमांड मिलता है गार्ड। भारत का ये गांव उन चंद जगहों में से एक है जिसे पाकिस्तान तीन जगहों से घेरता है। बस ये बेड़ियां बनाईया नहीं, कोई पाकिस्तान बने रह गया, कोई उरा रह गया। थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नजर आएगी, एल शेप नजर आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान ने उनका घेरा किया हुआ है। डरे बंदे पीछा रेंजर हैं। अभी आप 6 महीने कटे जाएंगे? 9 महीने हम इसी हमारी बीएसएफ में रहते हैं। ऐसी कई बार खेती ने छाड़ के गए हुए हैं। अटारी बॉर्डर पे जो परेड होती है, ये आपको एक वो प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपना इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज्यादा हम दम रखते हैं। कदे समान आगे चक तर जावी जाए, कदे इससे लेके आवी जाए। हम उस जगह पर पहुंचे हैं, मेरे पीछे आपको मुहर जमशेर गांव दिख रहा है। ऐसी ही फेंसिंग आप इस बॉर्डर पर देखेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। कैसे उस फेंसिंग के पार भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, किसान एंट्री लेते हैं दरवाजों से। पहले तो घंटा उथे सारी चेकिंग होगी। जो अनाज आप घर पे बैठकर खा रहे हैं, वो अनाज इस पार भी उगता है, फेंसिंग के इस पार भी उगता है। कैसे उगता है, क्या उनकी हार्डशिप है? एक ही ट्राली जावेगी अंदर, दूसरी ट्राली नहीं अंदर जा सकती। बीएसएफ कैसे कोऑपरेट करता है? वो तो डर को नहीं लग रहा, नाल आपने बीएसएफ बंदी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान के शरीर में से रूह साथ छोड़ देती है और इंसान मर जाता है, तो इंसान इसी मिट्टी में शामिल हो जाता है, इस मिट्टी का एक अंग बन जाता है। लेकिन जब तक हम जीते हैं, ये मिट्टी एक अहम रोल निभाती है। वो आपका भविष्य, वो आपकी किस्मत तय करती है। आप किस देश में रहते हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, ये एक अहम भूमिका निभाती है।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾਂ ਗਿਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ Large-scale killings, looting and burning in Lahore, Gujranwala and many other towns and villages of Punjab, Sindh and Bengal. Tens of thousands perished and millions became homeless. Somebody masibat naal nikle si bade okhe ve si oh du agge chale jande oh pet khali hunde ge agge chale jande ture jande ese tarah masibatan jaalde ne सर मेरा नाम इंदर सिंह है एड कांस्टेबल इंदर सिंह सर मैं 90 में ज्वाइनिंग किया बीएसएफ को 1 अप्रैल को सर मेरा अंकल 71 की लड़ाई में 17 जाट में था तो उधर शहीद हो गया था तो फिर मैंने सोचा मैं अभी जाऊंगा होर्स में सर भाग जा उधर पैर को खोल के रख अरे पैर को खड़ा करके खोल के रख मैं तेरे को क्या बोला पैर खोल ले भाई क्लोज कर पैर को बाय अब अभी अब बोलूंगा अरे कौन सी दुनिया में रे पेट की हवा निकाल दे पूरी ओ भाई पैर फैला ले ओ कलम वाले
मनप्रीत नाम मेरा सर, मैं 2016 में BSF ज्वाइन की है। फादर मेरे BSF में थे तो उनको देखते आया मैं भी BSF में जाऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। एक साल मेरे को इधर हो गया सर, 2021 में मतलब जनवरी में आ गया था इधर ही। इधर आने के बाद सर मेहनत और थोड़ी करनी पड़ी, जैसे सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, अपना 5-6 किलोमीटर रनिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, स्ट्रेचिंग वगैरह, और 6:30 बजे PT फॉलो में होता था, PT में भी जाते थे, तो PT के बाद प्रैक्टिस। क्या कर रहे ओ ड्रमर? हम प्रैक्टिस करेंगे सर, अभी परेड क्लोज करेंगे, चल ऊपर चल, उनकी है वो नहीं चलेगा, चलेगा हाँ। स्ट्रेचिंग के बाद में फिर हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं, जो परेड में शाम को हमने रिट्रीट सेरेमनी में करना है उसका प्रैक्टिस करें। ठीक लिए ऐसे लगा दिया तुमने, क्या मैं गार्ड कमांडर, तो गार्ड कमांडर का काम है वाडो कमांड देना। अगर गार्ड कमांडर नहीं है तो गार्ड नहीं चलेगा सर। सोचा नहीं है फिर मैं इधर परेड करूंगा। दिन में यही होता है, कुछ रोज कुछ नया सीखने को मिले उस्तादों से, उनको देखते हैं उसी हिसाब से सीखते हैं। मतलब जहाँ भी हम इसकी ड्यूटी लगाते थे तो ये अपनी मर्जी से उधर ही प्रैक्टिस करता रहता था दिन रात। जब भी इसको ड्यूटी में देखा प्रैक्टिस करते हुए मिलता था सर। अभी ये एक नंबर है मेरा, जो परेड में भी एक ही नंबर है सर। और पूरी मेहनत करता सर, जब परेड करता पूरी जान लगा के करता। जब BSF ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले कभी यहाँ आना हुआ है आपका? नहीं सर, कभी नहीं आए। आप सीधा यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी के लिए आए, उससे पहले आप कभी नहीं आए? नहीं सर। दिल्ली से आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि कैसी जगह है, कैसी नहीं है, क्या करना होगा? नहीं, बताया था, बोला बढ़िया जगह है। तो क्यों बढ़िया जगह है, क्या लगता है आपको? मनप्रीत जी नहीं करते मेरे से दोस्ती? मेरा सवाल बड़ा होता है, मनप्रीत जी का जवाब छोटा होता है। क्या पूछा? और मनप्रीत जी बोलते नहीं है दादा? काट ही बोलते सर। शादी तो बाद घट बोलने लगे हो, पहले भी घट बोलते सी? पहले ही घट बोलते। आप तो फ्री स्टाइल है मनप्रीत जी। वो तो है सर, खुल के बोलना मनप्रीत जी दोस्त हूँ मैं आपका। पहले दिन हमने देखा सभी को परेड कर रहे हैं, पैर उठा रहे हैं इनका, उधर सामने वो जा रहे हैं रोड पे चल के, पब्लिक भी थी उनको देखते हुए। फिर हमने यहाँ 35 से 40 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 41 दिन हम परेड में उतर गए थे। चल देखना, सीधे देख ले आओ। नहीं, आप देखना। हाँ। आप देखना। है मेरे 3 मुंडे
ठीक है सर अभी इवनिंग ड्यूटी पे चल रहे हो? अच्छा अगर आप पंजाब के ज़िले फाजिलका को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नज़र आएगी, एल शेप नज़र आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान ने उनका घेरा किया हुआ है। ये भारत की बाउंड्री अंदर जाती है पाकिस्तान के। 30 साल के 40 हो चले तार लग गया ना। कच्चे कोठे गाडर लोहे दे लाल जाने ओना कोई इट भी नहीं छड़ी डेग डूब जाने बाद ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਨੀਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੂਜਾ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥਾਂ ਦਿਓ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ
ਚੱਕ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਛੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਕ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਛੜਕ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। हमारे को 2:30 बजे सर चाय मिल जाती है दोपहर की, चाय को पी के फ्रेश होके दाढ़ी मना के उसके बाद में तैयार होके हम अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो हमारे मसल में खिंचाव आने का चांस हो जाता है सर, कहीं चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। एमिनेशन सूज है, ये पार्ट ऑफ द सेरेमोनियल ड्रेस है जो हम परेड के टाइम पे पहनते हैं। यह ब्रिटिश आर्मी के टाइम से ही इंडिया में चला आ रहा है और ये जूता जनरली लेदर का बनता है विद रेक्सिन, और हम इसके सोल में आयरन नेल्स और साथ में लोहे की नाल होती है वो यूज करते हैं, जिससे कि परेड में साउंड अच्छा सा आ सके। मैं हफ्ते में एक दिन फास्ट रखता हूँ सर, ये देश का मामला है, चाहे हम खाएं या न पिए न, लेकिन जोश बरकरार है सर। स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम अपनी वर्दी लगाते हैं, वर्दी लगाने के बाद क्वार्टर गार्ड में जाते हैं ऊपर। उधर से फिर 5:30 बजे वाटर कमांड शुरू हो जाता है। वाटर कमांड इस प्रकार दे गो, हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है कि जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज़्यादा हम दम रखते हैं। ये हमारे देश की शान है, हमारे देश का पावर, हम हमारी देश की पावर दिखा रहे हैं। इंडियन BSF कितना पावर रखती है, अगर आप रखते तो हम उससे 3 गुना ज़्यादा रखते हैं।
जो सारी परेड होती है वो मेरे ही निगरानी में होती है। इसको सुचारू रूप से कंप्लीट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब भी परेड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मौजूद सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी से परमिशन लेकर के परेड शुरू करने की अनुमति देता हूँ। कंपनी कमांडर साहब से मैं परमिशन लेता हूं कि आज की रिट्रीट सेरेमनी परेड को शुरू करवाना चाहता हूं। लाओ सर। लाओ जी। कुशाल सिंह। हाँ जी। पिताजी का नाम क्या है? बाकर सिंह। कहाँ जाना? खेती। क्या सामान है? दाती है। दाती है? हाँ। और कोई सामान? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं दाती है ना? ठीक है, जाओ चेक कराओ। अच्छा, तो क्या सामान है इनका? एक दराती है। इधर आ जाओ, गमछा उतारो। पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। कोई सामान है जेब में? ना जी। जूता खोलो। ओके, जाइए आप। जैसे ही मैं उनसे हाथ मिलाने जाता हूँ, बिल्कुल जैसे जीरो लाइन पर हम चले गए। जीरो लाइन पे हमें काउंटर पार्ट भी उसी नज़दीकी से देखता है और हमारा पूरा देश तो हमें देख ही रहा है। तब वहाँ पे चीज़ और ज़्यादा अहमियत हो जाती कि आप किस पोस्चर में उनसे हैंडशेक कर रहे हो। हैंडशेक करने का तरीका, जो सामने वाला पैर उठा रहा है तो हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हमारा पैर, हमारा पोस्चर उनसे बेहतर रहे, क्योंकि बाहर से शाउटिंग भी हो रही होती है। उन सब को अवॉइड करते हुए आपको अपना लक्ष्य को याद रखना होता है। सर जैसे अपना गार्ड कमांडर वार्ड कमांड देता है इधर से भी सर, उधर से भी, और मैं इधर से चलता हूँ सर तेज चाल से, तो उधर से भी सर उनका पार्क रेंजर एक टाइम से ही चलते हैं सर दोनों।
अपने दोनों बाजू खड़े करते सर और अपनी आंखों पे आंखें डाल के सर एक दूसरे की तरफ पूरा जोश भर में देखते हैं सर। पलके तो जबती नहीं सर, जितना तक वो देखता रहता है उससे ज़्यादा ही देखते हैं सर। बस ये बैलियां बनाइया नहीं, कोई पाकिस्तान बने रह गई, कोई उरां रह गई, तो उही चार चार किले रह गई तो उही साढ़े कोले। जोना दी कणक गेहूं ही बीजी जाता और कुछ भी नहीं। अच्छा एदा क्यों? वो आंदे ने भाई सानू काम करना पावे ते टाइम नाल गेट नहीं खोलना, वाह वाह आठ उठ जाते नू सब्जी के उत्ते रहना पैंदा है, उत्ते तो सानू भी रंबा खड़काना पैना है तो सारे काम करने पैने। Thank you.
हमारे देश को सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा देखते हैं जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना, और हमारा खून एकदम खुल जाता है, उसको देख के खुश हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है।